चलिए हम एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। ये क्लास 10th का है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ इट्स सेंटर ओ इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स कोड ए बी इज 8 सेंटीमीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ अ कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर ओ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है मैं आपको फिगर के जरिए बता देती हूँ। आपका ये यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल हो गया आपका, जिसका सेंटर क्या है, तो सेंटर इसका ओ है। यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रेडियस है, मान लो ये आपका रेडियस हो गया, ओ ए जो है आपका रेडियस हो गया, तो रेडियस जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो लेंथ ऑफ अ कोड दिया हुआ है, मान लो ए बी जो है आपका कोड है, ए बी जो है वो कोड है, और ये जो है वो आपका दिया हुआ है पूरा का पूरा ए बी, ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ओ ए जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो कोड है आपका सर्कल का, और ये जो है आपका रेडियस दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, मीन्स ये जो आपका डिस्टेंस है, कि आपका डिस्टेंस ऑफ अ कोड क्या होगा सेंटर के पास से, मीन्स आपको क्या निकालनी है, तो आपको ओ सी की जो है वो वैल्यू निकालनी है, इतना आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है, आपको ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो है, आप बुक में जो है एक थ्योरम दिया हुआ है, आप उस थ्योरम को जो है वो आपका 3.2 जो है आप थ्योरम देख लेना। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कोड विच इज नॉट अ डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा आपका सर्कल, ये कोड पे आपका जो डिस्टेंस होगा वहाँ से, वो आपको बाइसेक्ट करेगा कोड को। तो यहाँ से आपका जो है, चलिए यहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉन हो जाता है, जब ये जो डिस्टेंस है, तो ये आपको बाइसेक्ट करेगा कोड पे। आप यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कोड विच इज नॉट अ डायमीटर, जो डायमीटर नहीं रहेगा वो क्या होगा, तो कोड होगा, फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो यहाँ से ये जो है आपका ओ सी जो है, यहाँ पे उसी जो है या परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दो आप, इसी का जो डिस्टेंस जो है वो उसी जो हमको पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो है ये बाइसेक्ट करेगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, तो ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ ए सी, कितना हो जाएगा, तो 1/2 ऑफ ए बी हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से ले लो, 1/2 ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या आ गई, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये आप 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया।
तो यहाँ से देख लो, इन ट्रायंगल ए ओ सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इनटू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से OA की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो आप 5 का स्क्वायर ले लो। AC की वैल्यू जो है हम इससे निकाल लिए, तो AC की वैल्यू हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। बाकी OC की वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, यहाँ से ये 25 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा प्लस ओ सी का स्क्वायर। इसको आप इस साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 19 इज इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर, ये सॉरी 9, ओ सी की वैल्यू आ जाएगी आपको अंडर रूट ओ सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी ओ सी की जो है वो वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, और यही जो है वो डिस्टेंस है आपका ए बी कोर्ड से फ्रॉम सेंटर। तो 30 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द कोर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ओ। तो ये आपका कितना डिस्टेंस हो गया, तो ये 3 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो यहाँ से हम 2 देख लेते हैं। ये पहला 1 था, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स सेंटर एट ओ इज 13 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ अ कोड पी क्यू फ्रॉम द पॉइंट ओ इज 5 सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ अ कोड पी क्यू। ठीक है, मैं इसका डायग्राम आपको बता देती हूँ। इसमें भी आपका क्या दिया हुआ है, तो ये सर्कल दिया हुआ है। सर्कल देने के बाद आपका बोल रहा है कि जो डायमीटर का जो लेंथ है वो आपका 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप बना लो डायमीटर का लेंथ, ये पूरा आप ये बना लो, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये सेंटर आपको ओ बोला गया है, तो ए बी जो है वो हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। जब ए बी जो है 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसमें आपको रेडियस की वैल्यू हो जाती है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। आपका जो रेडियस होता है वो हाफ होता है आपका डायमीटर का, तो ओ ए और ओ बी की वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ कोड पी क्यू फ्रॉम द पॉइंट ओ इज 5 सेंटीमीटर। जो आपका एक कोड दिया हुआ है उसका जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आप बना लो ऐसे करके, ये कोड है पी क्यू, ये आप रेडियस यहाँ भी बना सकते हो, ये आप बना लो, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है पी क्यू वो आपका दिया हुआ है आपका ओ से, इसका डिस्टेंस है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ अ कोड जो है वो आपको निकालना है, मीन्स आपको पी क्यू की जो वह है वो वैल्यू निकालनी है। अगर रेडियस आपका 13 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो इसको आप यहाँ से भी इस तरीके से ये रेडियस यहाँ भी लिख सकते हो, तो ये भी आपका 13 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये 13 है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो कि ओ क्यू इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है, तो ये आपका
13 सेंटीमीटर हो गया। बाकी आपका पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ से ये हो गया आपका 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है पी क्यू की वैल्यू जब फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन ट्रायंगल यहाँ पे आप कुछ वैल्यू ले लो, डी ले लो, डी ओ क्यू, डी ओ क्यू में आपको मिल जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी जो है वो आपका 5 का स्क्वायर हो गया, डी क्यू जो है आपका, डी क्यू कुछ दिया नहीं है वैल्यू, तो डी क्यू बराबर डी क्यू ही अब रहने दो। 169 इज इक्वल्स टू 25 इज ए प्लस डी क्यू का स्क्वायर, इसको आप माइनस करोगे तो 144 हो जाएगा डी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से आपकी डी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी डी क्यू की जो वैल्यू हो गई। तो अगर आपका डी क्यू 12 सेंटीमीटर है तो आपका पी डी जो है वो भी 12 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आपका इसके पहले वाले जो है मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा दिया था, मैं इस क्वेश्चन में भी लिखवा देती हूँ कि द परपेंडिकुलर, यहाँ से ये ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये है द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कोड from the center by of a circle of the circle bisect the code, क्योंकि अगर ये हमारा क्या करेगा, ये कोड को bisect करेगा। तो यहाँ पे पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, तो डी क्यू प्लस पी डी प्लस डी क्यू, और पी क्यू क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, डी क्यू जो है वो भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये है तो ये बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पे पी क्यू जो हो जाएगा वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 24 सेंटीमीटर यहाँ से। तो ये आप जाएगा आपका द लेंथ ऑफ आपका सेकेंड में है द लेंथ ऑफ द कोड पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 2 तक हो गया, हम 3 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ अ कोड पी क्यू ऑफ अ सर्कल विथ इट्स सेंटर ओ इज 4 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम द पॉइंट ओ इज 2.1 सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। इसमें आपको द लेंथ ऑफ जो है वो डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम डायग्राम बना लेते हैं कि हमारा डायग्राम जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम क्या है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम। यहाँ पे द लेंथ ऑफ कोड पी क्यू, पी क्यू जो है ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। तो जो द लेंथ ऑफ पी क्यू ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, आपका ये जो है वो पूरा का पूरा पी क्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो डिस्टेंस है पी क्यू फ्रॉम द पॉइंट ओ, ओ आपका सेंटर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है आपका ये दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको जो है ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया और ये आपका यहाँ से आपका डायमीटर हो गया। यहाँ पे आप आर लिख दो, तो आपका ये ओ
आपका OA जो है उसका जो वैल्यू है वो 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ की वैल्यू दिया हुआ है। आपको जो है वो RQ की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप RQ की वैल्यू फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको OQ की वैल्यू और AQ की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देख लो कि द यहाँ पे OA जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, यहाँ पे द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड इंटू टू पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब ही हो गया कि आपको दो इक्वल भाग में जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे पी क्यू जो है वो हो जाएगा पी ए प्लस ए क्यू, ठीक है, और ये दोनों जो है वो आपस में बराबर होगा तो आपका टू ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू पी क्यू। ए क्यू क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू पी क्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो इसको कट कर दोगे तो ए क्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ये रब कर लो इतना सारा और जो एग्जैक्ट मेन पॉइंट है ए क्यू हमको चाहिए, तो ये आपकी ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, लेकिन इसका हमको कोई इससे अभी कोई मुझे मतलब नहीं है, हमको मेन जो है वो आपका ओ की क्यू वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्रायंगल ओ ए क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए ओ कितना है तो 2.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए क्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से आपका ओ क्यू जो है वो आ जाएगा, इसको आप इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 4.41 प्लस 4, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8.41, ठीक है 8.41। यहाँ से आपका ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2.9 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल आ गया, तो आपका 2.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2.9 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ से डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो डी हो जाएगा 2 इंटू आपका 2.9 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 5.8 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर यहाँ से 5.8 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ऑफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ इट्स सेंटर ओ आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर कोर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ अदर
कोड फ्रॉम द सेंटर, इसमें स्मॉलेस्ट जो स्मॉलर वाला जो था उसका कोड का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है। आपको जो है क्या फाइंड करना है, जो ग्रेटर जो बड़ा वाला जो है कोड उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसका फिगर देख लेते हैं। आपका फिगर जो है वो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, ये आपका सर्कल हो गया और इसमें दो जो है वो कोड था, इसीलिए मैं इसको दो करके लिख दे रही हूँ। तो एक आपका इधर से हो जाएगा कोड और एक आपका इधर से हो जाएगा कोड। फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, एक का जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक का 8 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। आर एस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये भी कोड ही है। एंड यहाँ पे पी जो है वो पी क्यू जो है ये भी कोड ही है और इसका जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मैं इसको ऐसे अभी लिखती नहीं हूँ, इसमें जब ज़रूरत होगी तो मैं लिख दूँगी। तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि ये आपका सेंटर है, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो आपको दोनों का पता नहीं है, बस आपका जो स्मॉलर वाला जो है उसका जो है वो डिस्टेंस जो पता है कि आपका 4 सेंटीमीटर है। तो छोटा वाला तो आपका यही है, ये है 6 सेंटीमीटर वाले लो, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है। बाकी आपको ये जो है रेडियस नहीं पता है, ये रेडियस नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लो डी और यहाँ पे आप ले लो ई, ठीक है, यहाँ पे आप ले लो ओ, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा कि ओ ई जो है एंड डी ओ जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कोड, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका ये सेंटर से जो है वो कोड के ऊपर। तो आप वो जो जो आप 1 से 3 तक जो आप एक थ्योरम का आप यूज़ करते आ रहे हो वही थ्योरम जो है इसमें भी यूज़ होगा। तो यहाँ से आप थ्योरम लिख लो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो यहाँ से जो हो जाएगा आर एस इज इक्वल्स टू आर ई प्लस ई एस, आर एस जो हो जाएगा वो 2 आर ई हो जाएगा, आर ई की वैल्यू जो हो जाएगी 1/2 इंटू आर एस। तो आर एस की वैल्यू, आर ई जो है वो 1/2, आर एस की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह पी क्यू पी डी जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ पी क्यू। तो पी डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे जो है हम वैल्यू जो है वो देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आपकी आपको जो है निकालना है वो आपको निकालना है कि जो आपका डी ओ है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। आपको क्वेश्चन में ये निकालना है, आपका जो छोटा वाला कोड है 6 सेंटीमीटर उसका जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है फ्रॉम द सेंटर, लेकिन जो 8 सेंटीमीटर का वाला कोड है जो बड़ा कोड है उसका जो है वो आपका डिस्टेंस जो है वो दिया नहीं है कि सेंटर से कितना है, आपको वही जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या निकल जाएगा, इन ट्रायंगल आर ओ ई में ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो आपका
ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर ई कितना है तो 3 का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। ये ओ आर जो है वो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 16। ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और ओ आर जो है वो अंडर रूट 25 और ओ आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पी ओ एंड ओ आर रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो अगर आपका ओ आर 5 सेंटीमीटर है तो पी ओ भी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है तो यहाँ पे ये भी जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप देखोगे, मैं इसको रब कर देती हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पे अब आप देखोगे इन ट्रायंगल पी ओ डी बाय पाइथागोरस थ्योरम पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ओ का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। पी ओ जो है वो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उससे आपका पहले वाला जो आप सॉल्व किए तो उससे निकल गया 5 सेंटीमीटर। आपका डी ओ जो है वो आपका दिया हुआ नहीं है, वही आपको फाइंड आउट करना है, और जो है पी डी की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से 25 हो जाएगा, यहाँ पे डी ओ का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 16। डी ओ की जो वैल्यू आएगी वो 25 माइनस 16 आ जाएगी। अब डी ओ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और डी ओ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका द डिस्टेंस ऑफ अ अदर कोड, द डिस्टेंस ऑफ अदर कोड फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर आंसर। ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा अदर कोड का जो आपका सर्कल से सेंटर से जो वो है वो लाई करेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको आप 1 से लेके 5 तक जो देख रहे हो आपको रिपीटेड थ्योरम से ही है, मतलब वही एक ही थ्योरम से ही आपको जो है आपको उसी से आपको सोल्यूशन मिल जा रहा है। अब देखते हैं कि 5 में हमारा वही है या कुछ चेंजेस आया है। यहाँ पे है इफ़ द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल इज 48 सेंटीमीटर, इसमें आपका लेंथ ऑफ अ कोड दिया हुआ है एंड द डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम द सेंटर इज 7 सेंटीमीटर, द लेट अस स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपका द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इसमें जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो बोला गया है। तो यहाँ पे आपका सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर हो गया, यहाँ पे लेंथ ऑफ अ कोड दिया हुआ है, तो ये आपका कोड हो गया 40 A एंड B। ए बी जो है वो कोड है और ये हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर। एंड आपको क्या दिया हुआ है कि जो लेंथ है सेंटर से वो लेंथ जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीन्स आपका ओ डी की वैल्यू जो है वो हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको जो है वो आपको लेंथ ऑफ रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। आपका ओ ए की ओ बी की जो वैल्यू है वो जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे वही थ्योरम, सेम थ्योरम, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center to code of a circle bisect the
कोड, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा सेंटर से आपका कोड पे, वो आपको बाइसेक्ट करेगा आपके कोड को। तो यहाँ पे ए बी जो है वो हो जाएगी आपको ए डी प्लस डी बी, मीन्स आपका ए बी जो है वो हो जाएगा टू डी बी। यहाँ पे डी बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वन अपॉन हाफ इंटू ए बी, और ए बी आपका क्या दिया हुआ है, तो ए बी आपका 48 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा डी बी जो हो जाएगा वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी डी बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर मिल गई। बी डी लिख दो या डी बी लिख दो, बात बराबर है, 24 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देखोगे इन ट्रायंगल बी ओ डी बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिल जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7 का स्क्वायर। बी डी की वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर। ओ बी कितनी हो जाएगी आपका 49 प्लस आपका 576, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी इसकी 24 की। तो यहाँ से ओ बी आपकी हो जाएगी 620, ओ बी का स्क्वायर आपका 625 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ओ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625, ओ बी की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या आ जाएगा, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।